रहा होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें करो कि एक ब्लॉक है मास M1 का, ये M1 है और ये M2 है और ये M3 है, तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द मिडल ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक मास M3 मूव अपवर्ड। जब ये दोनों नीचे आएंगे तो कॉमन सेंस की बात है ये ऊपर जाएगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट थीटा है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है इसी ब्लॉक की स्पीड, थर्ड वाले की ब्लॉक की स्पीड निकालना। अगर इन दोनों ब्लॉक की स्पीड यू है, ये इसकी भी स्पीड यू है और इसकी भी स्पीड यू है, तो थर्ड वाले की स्पीड कितनी होगी। अब देखो थर्ड वाला किधर जाएगा, तो थर्ड वाला किधर जाएगा यार, थर्ड वाला ऊपर जाएगा। जब ये दोनों नीचे आएंगे तो थर्ड वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली जो स्पीड है यू पहले से ही स्ट्रिंग अलॉन्ग है और ये भी स्ट्रिंग के अलॉन्ग है यू, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इस मोशन में अगर इस ब्लॉक का स्पीड ये ब्लॉक का स्पीड भी हो तो भी स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये थीटा डिग्री पे है, तो ये कॉम्पोनेंट इसका इधर आएगा जो होगा भी कॉस थीटा, तो भी कॉस थीटा जो कि पहले से स्ट्रिंग के अलॉन्ग आ गया। अब अगर स्ट्रिंग के अलॉन्ग आ गया तो भी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू यू, इसका मतलब भी इज इक्वल टू यू अपॉन कॉस थीटा, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला, अब ये मत करना कि ये साइन वाला इधर आएगा, साइन वाला इधर आएगा जब ये 90 होगा, ठीक है। ये इधर कहीं साइन वाला इधर आएगा कहीं 90 डिग्री पे, ठीक है। चलो तो ये यू अपॉन कॉस थीटा ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। फटाफट क्वेश्चन करो।